कभी कभी मैं सोचती हूँ ये राजा महाराजाओं की भी क्या लाइफ थी ना यार। आई विश मेरे पास भी कोई मैजिक स्पेल होता और मैं फट से इस एरा में पहुंच जाती। अब मैजिक स्पेल्स तो मैं सीखने से रही, बट एक राजा का फूड ऐसा भी है वेर यू कैन ईट enjoy and have an exotic vacation with your loved ones. No, I'm not talking about time traveling. In fact, I'm taking you to 18th century fort, which is brilliantly preserved and transformed into one of the exotic heritage in India, the Mud Fort. सच बताओ, इससे पहले ये जगह सुनी नहीं थी ना? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। वेलकम बैक टू सिल्वर शिमर डेली चैनल। माय नेम इज अशला एंड मैं कोई जयपुर उदयपुर नहीं आई हूँ। आई एम समवेयर इन यूपी। क्या हुआ, वेट नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, रुको जरा, सबर करो। मड होटल की एंट्रेंस में आते ही आपका स्वागत होगा मोर एंड क्यूट सी पत्तकों के साथ। इस पॉइंट पे आते ही आपको दिखेगा एक बड़ा सा बरगद का पेड़ जो ऑलमोस्ट 155 इयर्स ओल्ड है। एंड दिस वे इज ऑल टू द मड होटल। द मड फोर्ट इज अ हेरिटेज होटल लोकेटेड इन कुचेश्वर। द फोर्ट सर्व एज फॉर्मली सीट ऑफ चार किंगडम ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप मड फोर्ट की हिस्ट्री देखोगे तो ये हमारे सबसे पुराने वेद यानी कि ऋग्वेद में भी बताया गया है। लेट मी टेक यू टू द रूम टूर। Here I am at the Super Durex room and you can see how beautiful the room it is. For me the best part was this bed and ye bed Raja Maharaja ke time se preserved kiya gaya. You can see all the furniture work, sara 18th century ka hai and you can see how purely it is maintained and preserved here. The cupboard you can see by my side has carving work all over it. You can see how beautiful it is being handcrafted and ye bahut spacious bhi hai. Let me show you. So this has one space here and एक छोटा सा space यहाँ पे and दूसरा छोटा सा space यहाँ पे। The mud forts in North India are largely connected to the history of the rise of Jats. तो मेरे को personally यहाँ पर best part ये लगा कि अभी तो हमारे पास phones हैं, हम अपने मूवमेंट्स को अपने मोशंस को कैप्चर कर लेते हैं, बट उस टाइम पे भी लोगों ने अपने मूवमेंट्स को अपने उत्सव को सेलिब्रेट किया होगा और कैप्चर किया होगा। पीछे आप देख सकते हैं कि देर आर सो मेनी पोर्ट्रेट्स ऑफ राजा एंड रानी डूइंग सेवरल थिंग, वेदर दे आर डूइंग शिकार और इफ़ दे आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। तो उस सारे मूवमेंट्स को हर कोने में इस महल पर दर्शाया गया है। इतना सारा घूमते घूमते मुझे लग गई है जोरों सी भूख एंड क्योंकि ये शाही महल है तो खाना भी शाही ही होगा। तो हमारे पास आ गया है शाही पनीर, राइस, दाल मखनी और मिक्स वेज। गरम गरम रोटी और पनीर तो मेरा फेवरेट है ही। मज़ा आ गया खा के एक ही बाइट से। शाही पनीर तो बिल्कुल ऑथेंटिक शाही पनीर था। इट वॉज रियली रियली टेस्टी। एंड दाल का मैं आपको बताती हूँ कि दाल कैसे हो रही है। प्योर घर का खाना, प्योर मतलब ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप बाहर का खा रहे हो, ऐसे लगेगा कि घर का ही खा रहे हो।
खाते खाते मैं आपको ये बताना भूल गई कि जहाँ मैं खाना खा रही थी इसको नंदिनी महल कहा जाता है। अभी फिलहाल आपको ये एक डाइनिंग हॉल की तरह दिख रहा होगा, बट किसी ज़माने में ये दरबार हुआ करता था। एक तरफ राजा बैठा करते थे एंड दूसरी तरफ रानी बैठा करती थी। इसका नाम नंदिनी इसलिए पड़ा क्योंकि राजा की बेटी का नाम नंदिनी हुआ करता था। अगर आप देखोगे इन पुराने महलों और हवेलियों की एक खास बात हुआ करती थी, यू कैन सी द आर्किटेक्चर हियर जो गोल्ड कलर से किया गया है। झूमर नॉर्मल झूमर की तरह नहीं है, झूमर में भी ना आपको वो पुराना वो एसेंस दिख रहा है 18th century का। अभी मैं महल घूम ही रही थी कि अचानक मौसम ने करवट ली एंड झमाझम बारिश होने लगी। मैंने सोचा तो था कि मैं आपको ट्रैक्टर राइड दिखाऊंगी, आगे यहाँ पर एक अच्छा सा गार्डन है वो भी एक्सप्लोर करते, और आम के बगीचे तो मेरे फेवरेट थे, बट इस बारिश ने तो सब बिगाड़ ही दिया। मैंने सोचा, थोड़ा और सोचा एंड फिर बहुत ज़्यादा सोच लिया एंड डिसाइड किया कोई बात नहीं, इस बार परफेक्ट नहीं हुआ तो अगली बार परफेक्ट कर लेंगे, बट बारिश तो नहीं छोड़ सकते हैं। Quick tips if you want to visit this place. This place is 55 kilometers far away from Delhi. And अगर आपको यहाँ आना है, you can drive your own car और या आप drive through कर आ सकते हो. And ये location basically गांव के बीच में है, तो आपको easily ऐसे नहीं मिलेगा, तो GPS पे सही location डाल देना. Second, if you want to book this place for your wedding, so you are most welcome. यहाँ around 19 rooms है, and 19 rooms के अलावा they have an एडजस्टमेंट जो बगल में ही इनके और भी रूम्स एडजस्ट हो जाते हैं, तो अगर आपके पास गैदरिंग 200 की है सो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मज़ा कुछ और ही है यार, जहाँ राजा वहाँ राजा रहते थे वहाँ रहने को मिल जाए तो क्या बात है। इफ यू सी ऑल द फर्नीचर जो भी डेकोर के आइटम्स है, देवे ऑथेंटिक, देवे ओरिजिनल। मैंने बताना मैं भूल गई, अगर वहाँ पे आपने ना काफ़ी हर कॉरिडोर पे हर रूम पे आपको दिखेगा कि हिरन के सिंग लगे हुए हैं, एंड वो मैंने उनसे पूछा कि ये रियल हैं, तो उन्होंने बताया सारे रियल हैं। एंड आपको टाइगर के स्किन का भी दिख जाएगा, तो क्योंकि मतलब ये होता था ना पहले राजा महाराजा के टाइम पे शिकार करना ईजी होता था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो तब वो एक शौक की तरह देखा जाता था, तो काफ़ी शिकार उन्होंने किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। खाना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, खाना वॉज वेरी गुड। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड सम फैमिली टाइम विद सम डिफरेंट एक्टिविटीज़, सो वो एक्टिविटीज़ मैं एक्सप्लोर तो नहीं कर पाई, बट मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी सारी थी। यहाँ पर आप बैडमिंटन खेल सकते हो, यहाँ पर आप सारे जो आप बुलर कार्ट राइड ले सकते हो, आप ट्रैक्टर राइड ले सकते हो, और अगर आप दिसंबर के टाइम पे आते हो तो आपको शुगर केन भी मिल जाएगा। एंड मैंने जितना पढ़ा था तो यहाँ पर एक जैगरी फैक्ट्री भी है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि गुड़ बनता कैसे है। एंड 2.5 किलोमीटर्स दूर गंगा नदी है, तो वहाँ भी आप डुबकी लगा कर आ सकते हो। सो दैट्स इट। एंड एक स्पेशल मेंशन सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, एंड वी आर अराउंड लाइक 4.5K व्यूज़ ऑन इट, एंड बहुत अच्छे कॉमेंट्स आए, एंड मेरे को इतना लगा ही नहीं था कि ना इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इट वॉज जस्ट अ रैंडम वीडियो, एंड मेरा जस्ट फोकस ये था कि विल शो द तिब्बतन कल्चर, एंड थोड़ी डिफ़िकल्टी थी बिकॉज वहाँ पे ना लोग थोड़े कैमरा शाई थे और हमें ईजिली शूट नहीं करने दे रहे थे, बट फाइनली वो जो आउटफिट वाला था, देर वॉज वन शॉप लेडन स्टोर, मैंने उस पर भी मैंशन करा, एंड आई स्टिल वॉन्ट टू मैंशन दैम कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, मेरे को वो पूरा अटायर पहनाया एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुली। उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करी मुझे, एंड ऑल्सो उन्होंने मेरे को वहाँ पे जो डांस फॉर्म था ना उसके बारे में भी एक्सप्लेन करा, एंड मैंने कमेंट्स सबके पर्सनली पढ़े हैं, मैंने खुद से रिप्लाई करा है, एंड देयर वर सम कमेंट्स कि आप मैक्लोड आना, आप यहाँ आना, तो वी गोना डेफिनेटली कम देयर टाइम निकाल के। आज की वीडियो के लिए सॉरी थोड़ी छोटी है क्योंकि आज का सर्कमस्टांसेस ऐसे हुआ, बट नेक्स्ट वीडियो विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट, सो स्टे ट्यून्ड टू सिल्वर शिमर डेली चैनल, and don't forget to like, share and subscribe.